मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोटा से छात्रों और दूसरे राज्यों से मजदूर को वापस लाने से मना कर दिया, हमने बसों और ट्रेनों का इंतजाम किया और छात्रों और मजदूरों को वापस बिहार लेकर आए। हमने दिल्ली से बिहार के अलग अलग जिलों के लिए 362 बसें चलाई। हमने कोटा से 7 ट्रेनें चलवाई और दिल्ली के 60,000 मजदूर को टिकट के लिए पैसे दिए। 7,62,000 लोगों तक राशन पहुंचाया और 10,000 से अधिक लोगों को सीधे उनके बैंक अकाउंट में रुपए दिए। पप्पू यादव ने कहा, बिहार वापस लौटे सभी प्रवासी मजदूरों तक हम पहुंचेंगे। हमारी पार्टी हर प्रवासी मजदूर को 5 किलोग्राम चावल, 1 लीटर तेल, 1 किलो दाल, मसाला और 2 साबुन देंगे। क्या कोविड-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोस एडुसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। आज ही प्ले स्टोर से मी डिजिटल ऐप डाउनलोड करें। मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, ये जो डिजिटल जीविका दीदी के द्वारा जो डाटा कलेक्शन करवा रहे हैं नीतीश बाबू, सरकारी पैसे से जांच नहीं हुई, डिजिटल इकट्ठा डाटा इकट्ठा करने का प्रयास नीतीश बाबू ने लगातार किया और जीविका को लगाकर और सत्ता के शीर्षस्थ धृतराष्ट्र की सत्ता के शीर्षस्थ संजय के द्वारा उन डिजिटलों की व्यवस्था की गई, जिसमें मेरा आरोप है कि सरकार पैसे का दुरुपयोग पूरा का पूरा सरकारी पैसे से चुनाव लड़ने की तैयारी सत्ता पक्ष ने शुरू कर दी, जिसमें वर्चुअल रैली, राजनीतिक शैली, गरीबों के लाश पर ताज पहनने वाली राजनीति, लाश और बीमारों के बीच ये रैली, मतलब आश्चर्य होगा कि इस तरह के शर्म, हया, दया, ममता लेस मात्र अवशेष यदि किसी के पास है तो वो सत्ता पक्ष के पास है। बिहार के आधिकारिक रूप से जो क्वेश्चन है उसमें 25 लोग कोरोना, 2 दर्जन से अधिक लोग कोरोना सेंटर, सैकड़ों लोग भूख और प्यास से चलकर दुर्घटना में मारे गए, ये सरकारी रिपोर्ट है। लेकिन मेरा रिपोर्ट है लगभग 82 लोग ट्रेन में मारे गए, 38 लोग क्वारंटाइन सेंटर में मर गए और 450 से ऊपर भूख और आत्महत्या करके इस 70 दिनों के अंदर मरे, ये बिहार की संख्या है। नीतीश बाबू और अमित शाह जी, रामजी महतो के परिजनों से माफी मांगनी चाहिए जो पैदल भूख प्यास दिल्ली से घर आते हुए बनारस में दम तोड़ दिया, ये माफी नहीं मांगे। बिहार में हर दिन लगभग 300 मरीज मिलते हैं, 84,000 लोगों का 12.5 करोड़ में मात्र आज तक टेस्ट हुआ और अब सभी क्वारंटीन सेंटर को बंद करने का निर्णय ले लिया गया, सभी 84,000 मात्र टेस्ट हुए, 300 से 400 ज्यादा टेस्ट नहीं होता है। और बाहर से आने वाले जो हमारी जिंदगी है, मजदूर है, उसका अब टेस्ट बंद कर दिया गया। नीतीश बाबू, कौन सा मेडिकल साइंस में आपने टेस्ट बंद कर दिया, ये बिहार की जनता जानना चाहती है। और आप लगातार चुनावी ख्वाब में भुन मजे ले रहे हैं। लगभग बिहार से बाहर से आए हुए 35 लाख लोग, वैसे तो अमृत प्रत्यय 30 लाख लोगों की बात कर रहे हैं, 35 लाख लोग बिहार में आ चुके हैं, जिसमें सबसे कम टेस्ट ये रिकॉर्ड है ये बिहार में हुआ है। ऐसी परिस्थिति में मेरा आरोप है, किलो आटा चावल, 1 लीटर तेल, 2 साबुन, हल्दी और मसाला 250 ग्राम, 1 किलो दाल, बाहर से आने वाले क्वारंटीन सेंटर पर आने वाले
हर प्रवासी मजदूरों को घर पर पहुंचाया जाएगा। तीसरा, जन अधिकार पार्टी ने निर्णय लिया कि 7 तारीख को 10,000 बिहार के साथियों के साथ फेसबुक ऑनलाइन बिहार बचा लो मौका है या हैशटैग होगा और बिहार की जनता को संदेश दी जाएगी, जो हत्यारा है, जिसने मौत का सौदा किया, उसके साथ कोई समझौता नहीं होगा। दूसरा अंतिम विषय, ये इशू है बिहार के बढ़ते अपराध पर। मेरा सवाल है, हमें जरा बताएं, सत्ता पक्ष और विपक्ष से मैं जानना चाहता हूं, मौत पर राजनीति क्यों? 60 दिन जब मजदूर मर रहे थे तो कहां थे ये लोग? 60 दिन जब सड़क पर बच्चे तड़प रहे थे कहां थे ये लोग? 60 दिन में जब लाठी और गोली आंसू गैस चल रहा था सूरत में, हरियाणा में, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, तो कहां थे ये लोग? तब इनकी नींद क्यों नहीं खुली? विपक्ष से मेरा सवाल है, क्या हुआ 2000 बस का? क्या हुआ ट्रेन का? क्या हुआ पिंटू सत्या का? क्या हुआ 60 दिन में आप कह रहे हैं कि कोरोना वायरस में फंस गए? तो जनाधिकार पार्टी और बिहार की जनता जानना चाहती है, बाढ़ में कहां फंसे थे? पटना के बाढ़ में, चिमकी बुखार में कहां फंसे थे? हाउस में कहां फंसे थे? प्याज में कहां फंसे थे? कोरोना वायरस में आप फंस गए। तो जब आए तो 6 दर्जन से ज्यादा हत्या हुई है। सुनिए, मार्च महीने में गोपालगंज जिले में कटैया थाना बेलडिया गांव में 15 वर्षीय किशोर रहित जसवाल को मार दिया गया। 7 अप्रैल बिहार के सिवान में दिन दहाड़े अपराधियों ने सामाजिक कार्यकर्ता शेषनाथ द्विवेदी उर्फ टिंकू को गोली मार दिया, 6 बाइक सवार। 16 अप्रैल सिवान के जिले चैनपुर ओपी में प्राचीन महादेव मंदिर के क्षेत्र के हनुमानगढ़ी मंदिर के छत पर महंत को अपराधियों ने मारकर हत्या कर दी। 18 अप्रैल को औरंगाबाद जिले के जमारा थाना में दुधेला गांव में एक व्यक्ति की पीट कर हत्या। 3 मई को लॉकडाउन में बाल नहीं काटने पर नाई ने हत्या, 7 आरोपी हत्या। 4 मई को बक्सर जिला सिमराही थाना नगपुरा गांव में लालू यादव के 3 वर्षीय बच्चे रियांश की अपहरण करके हत्या। फलका थाना क्षेत्र के सेवानिवृत्त पंचायत सचिव पुत्र की हत्या। 15 मई लॉकडाउन के दौरान दीन दहाड़े वैशाली मुखिया के पति की गोली मारकर बिद्दू प्रकरण में दिलवारपुर गोवर्धन पंचायत की मुखिया पूनम देवी के पति की हत्या। 25 मई 2020 को गोपालगंज में 2 बाइक सवार अपराधियों ने शाम को घर पे बैठे अपराधियों ने जेपी यादव के परिवार को मार दिया। 26 मई को विधायक शशिकांत तिवारी को गोली मार दी गई। 27 मई को 2020 में भेजा गया 362 बस और कोटा से 7 ट्रेन पप्पू यादव और पप्पू यादव की टीम बिना सरकार के पैसे के DRM के पास अकाउंट जमा करके हम लोगों ने छात्रों को भेजा। सरकार ने 1 रुपया मदद नहीं की। दिल्ली से जिसके पास ट्रेन के टिकट नहीं थे उन्हें लगभग 55 से 60 हजार ऐसे लोगों को टिकट कटवा करके बिहार भेजा गया है, जिसकी पूरी डिटेल्स है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।